हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें होती हैं, जितनी भी बुक्स होती हैं, वो हमारे लिए क्यों इतनी ज़्यादा वैल्यूबल हैं। यानी कि आपने देखा होगा ना, जब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स स्टडी कर रहे हैं या मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले जब तक आपने स्टार्टिंग की भी नहीं होगी ह्यूमैनिटी, आज तक आपने नहीं भी पढ़ी होगी, तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। 6 to 8 लेवल की जितनी भी आपकी किताबें हैं एनसीईआरटी की, आप उनको स्टडी करो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें उनको स्टडी करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्यों इतनी उनकी वैल्यू है कि हमें स्टार्टिंग में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो हमें एनसीईआरटी से शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बाकी वीडियो पसंद आएगी लास्ट मतलब देखने के बाद में वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाकी आप हमसे इंटरेक्ट करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चौहान सोनू 99 ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी रील्स हैं, छोटी छोटी जो अपडेट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कोई भी अपडेट हम वहां पर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तभी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए जो रिकमेंड की जाती है वो एनसीईआरटी की बुक्स की जाती है, यानी कि 6 to 12। क्वेश्चन ये आता है कि 6 to 12 की एनसीईआरटी ही क्यों हमें सबसे पहले मतलब सजेस्ट की जाती है, कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करें, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको ह्यूमैनिटी के जो जीएस है ना, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से आप लक्ष्मीकांत या बड़े राइटर की जो बुक्स है वो आप वो स्टडी नहीं कर सकते। तो वो ऐसा क्यों बोला जाता है? सबसे खास बात इसमें ये है कि इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इसमें आपको मिलते हैं हर एक पैराग्राफ के बाद में पूरी पिक्चराइजेशन करके एक्सप्लेन किया जाता है। होती है ना जैसे कॉमिक्स होती है, ठीक वैसे ही एनसीईआरटी की बुक्स आपको देखने को मिलती है। यूपीएससी की स्टडी की स्टार्टिंग करते हो ना, आपने सोचा कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, और आपने अपने आपको एक साल दिया, तो स्टार्टिंग आपको एनसीईआरटी से ही करना, ताकि वो समझने में आसान रहे। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से लक्ष्मीकांत जैसी जो मतलब लेजेंड कहे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, अगर आप स्टार्टिंग उससे करोगे तो आपको वहाँ पे ना कोई पिक्चराइजेशन है, और आपका दिमाग तो थोड़ा सा स्टक हो जाएगा कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग इसलिए एनसीईआरटी से की जाती है, बिकॉज ऑफ उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड देन पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है विद पिक्चराइजेशन, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, और आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करना चाहते हो, तो एनसीईआरटी में अवेलेबल है। एंड देन जब आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप लक्ष्मीकांत की स्टडी कर सकते हो, एंड देन बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, वो आपके लिए फिर आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनसीईआरटी, एंड अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं है ना, तो आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।